नमस्कार दोस्तों, 27 नवंबर से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होने वाला है और हर दिन कुछ न कुछ छोटे बड़े अपडेट्स आते रहते हैं इस सीरीज को लेकर। ऐसे में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उन अपडेट्स और न्यूज पर वीडियो। कुल 10 अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूं अपनी इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और यदि आप क्रिकेट के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो आप इन अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए यह हमारा चौथा वीडियो है। यदि आपने बाकी की वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी वीडियोज आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना समय गवाए चलिए देखते हैं अपना पहला अपडेट। दोस्तों, हमने आपको कल ही बताया था कि रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा पहले दो टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। दोनों खिलाड़ी अभी बैंगलोर के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हैं और दोनों की फिटनेस को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। दोनों के पास वक्त कम है और यदि वह जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचते हैं तो बाकी के टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि जो भी ऑस्ट्रेलिया जाएगा उसे कम से कम 14 दिनों का क्वारंटाइन में रहना है। ऐसे में बीसीसीआई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से यह रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्वारंटाइन के नियमों में कुछ छूट दिया जाए। बीसीसीआई चाहते हैं कि रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा टेस्ट मैच खेलें, क्योंकि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों का होना बहुत जरूरी है। यदि यह दोनों खेल नहीं खेलते हैं तो भारतीय टीम को नुकसान हो सकता है और साथ ही 3 टेस्ट मैच में विराट कोहली नहीं रहेंगे तो इन दोनों खिलाड़ियों का होना तो जरूरी ही है। बीसीसीआई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बात कर रहे हैं और यदि नियमों में छूट दिया जाएगा तो रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा दूसरे टेस्ट मैच से खेल सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की बहुत ज्यादा केस होने की वजह से एडिलेड में होने वाला पहला टेस्ट मैच पर खतरा का बादल लटक रहा था, पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह कन्फर्म कर दिया है कि पहला मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो एडिलेड में होगा वह शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना के कुछ केस आए थे और साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यह रिपोर्ट दी थी कि कोरोना पर वहां काबू पा लिया गया है और कोरोना को रोकने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया था उसे भी हटा दिया गया है। इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पूरा कॉन्फिडेंट है कि पहला मैच समय के अनुसार होगा। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट और स्पोर्ट्स से पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेबसाइट के बारे में, जिसका नाम है 1tobet.com। यह वेबसाइट 12 साल से रेप्यूटेड और विश्वसनीय वेबसाइट है। आप यहां पर अपना फेवरेट गेम क्रिकेट एक्सचेंज और स्पोर्ट्स बुक में खेल सकते हैं। इसमें आप 3 पत्ती अंदर बाहर लाइव कैसीनो में खेल सकते हैं। पैसा डिपॉजिट और विड्रॉल करना फ्री और आसान है। आपको हर तरह के UPI ऑप्शन मिल जाएंगे। दिक्कत होने पर आप किसी भी भाषा में कस्टमर सपोर्ट आपको मिलता है। आप कमेंट में दिए गए लिंक से इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको 100% वेलकम बोनस मिलेगा। यहां पर डेली और वीकली अनलिमिटेड कैश मिलता है, स्पेशल बोनस भी मिल जाएगा आपको, लकी ड्रॉ और बहुत कुछ। लिंक कमेंट में दिया है, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों, 27 नवंबर से शुरू होने वाले पहले मैच से भारतीय टीम 1992 वर्ल्ड कप जर्सी पहनने वाले हैं। यह जर्सी टीम इंडिया ODI और T20 में पहनेंगे। भारतीय टीम के ओपनर शिखर धवन ने अपने सोशल मीडिया में उसी नई जर्सी को पहने हुए फोटो पोस्ट किया, जो आप यहां पर देख सकते हैं, और उन्होंने लिखा, नया जर्सी नया मोटिवेशन और खेलने के लिए वह पूरी तरह से तैयार है। वहीं 1992 वर्ल्ड कप के सदस्य पूर्व भारतीय की विकेट कीपर किरण मोर ने ट्विटर पर 1992 का वही जर्सी पहने हुए फोटो डाला और लिखा कि यह ओरिजिनल जर्सी है 1992 वर्ल्ड कप का और अभी तक उन्हें वह फिट होता है। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों, आपको बता दें कि ICC के नए चेयरमैन के रूप में न्यूजीलैंड क्रिकेट के हेड ग्रेग बार्कले को चुना गया है। इसके पहले ICC के हेड हुआ करते थे शशांक मनोहर भारत के। उनके ICC के चेयरमैन चुने जाने में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड या 3 देश को इंटरनेशनल क्रिकेट में बिग 3 कहा जाता है और जब उनसे पूछा गया इस बिग 3 के कॉन्सेप्ट के बारे में तो उन्होंने कहा कि यह सब चीज वह नहीं मानते हैं और उनके लिए ICC के सभी सदस्य एक जैसे हैं, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है और उनके मुताबिक वर्ल्ड कॉम्पिटिशन से ज्यादा बायलैटरल सीरीज होता है। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के टीम पेन ने यह बयान दिया है कि उन्हें आज भी यह सोचकर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट हो जाता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम 2018-19 टेस्ट सीरीज इंडिया से हार गए थे। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस मैच में स्टीव स्मिथ या डेविड वार्नर नहीं थे, वह किसी से कोई टेस्ट मैच हारना नहीं चाहते और खास करके ऑस्ट्रेलिया में ही। आज भी उन्हें इसका बहुत अफसोस होता है। आपको बता दें, पहली बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में टेस्ट सीरीज हराया था। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने भारत के बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज को प्रमोट करवाया, जो 27 नवंबर से होने वाला है। KBC के दौरान बॉलीवुड के सहिंसा ने दर्शकों से यह आग्रह किया है कि 27 नवंबर से होने वाले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज को देखें और अपना सपोर्ट दिखाएं भारतीय खिलाड़ियों के लिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 9 महीना के बाद उतर रहे हैं। इस प्रमोशन में वह खुद कह रहे हैं कि वह भी सुबह 8 बजे से सोनी स्पोर्ट्स पर देखेंगे यह मैच। इस प्रमोशन को करवाने के लिए अमिताभ बच्चन ने कोई फीस नहीं लिया, क्योंकि यह प्रमोशन कौन बनेगा करोड़पति के सेट से हुआ है, जो सोनी टीवी पर आपको देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों, आपको बता दें कि IPL के बाद सभी स्पोर्ट्स नेटवर्क को डर लग रहा था कि उन्हें बाकी के मैच के लिए स्पॉन्सर मिलेगा कि नहीं और वह क्रिकेट में पैसा खर्च करना चाहेंगे कि नहीं, पर इसका विपरीत सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने खुलासा किया है कि सीरीज के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है।
70-75% एडवर्टाइजमेंट स्लॉट बिक चुके हैं और इन एडवर्टाइजर्स से 30-35% का ज्यादा रेवेन्यू होने वाला है इस साल। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर 4 भाषाओं में इन मैच को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और आपको 15 स्पॉन्सर देखने को मिलेंगे, जिसमें माई इलेवन सर्कल, बायजू, अमेजोन, विमल पाल मसाला, नेटफ्लिक्स, डेटॉल, एमपी बिरला सीमेंट आदि शामिल है। वहीं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी ने भी साइन किया है जिसका नाम है एथर एनर्जी। यह कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाते हैं और पहली बार वह किसी क्रिकेट सीरीज में अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अपना 8वां अपडेट। 27 नवंबर से दुनिया भर में बहुत सारा क्रिकेट होने वाला है और आने वाला 2 महीना क्रिकेट से भरा हुआ है। यह क्रिकेट प्रेमियों के लिए क्रिकेट दिवाली से कम नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी सीरीज और लीग होने वाले हैं। सबसे पहले भारत का ऑस्ट्रेलिया टूर, जिसमें 3 ODI होगा, 3 T20 और 4 टेस्ट होंगे। वहीं दूसरा इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका का टूर, जिसमें 3 ODI और 3 T20 होगा। तीसरा वेस्ट इंडीज का न्यूजीलैंड टूर, जिसमें 3 T20 होगा और 2 टेस्ट मैच होंगे। और चौथा पाकिस्तान करेंगे न्यूजीलैंड का दौरा, वह न्यूजीलैंड से 3 T20 और 2 टेस्ट खेलेंगे। हालांकि यह सीरीज शुरू होगा 18 दिसंबर से। और पहली बार होगा लंका प्रीमियर लीग, जो श्रीलंका का IPL वर्जन है, जो शुरू होगा 26 नवंबर से और खत्म होगा 16 दिसंबर को। चलिए देखते हैं अपना 9वां अपडेट। दोस्तों 6 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज फिल ह्यूग्स की मौत हो गई थी जब एक बाउंसर उनकी गर्दन पर लगा था। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले ODI में दोनों टीम फिल ह्यूग्स को श्रद्धांजलि देंगे। दोनों टीम 63 सेकंड का मौन रखेंगे, क्योंकि जिस मैच में उनकी मौत हुई थी उसमें उन्होंने 63 रन बनाए थे। और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अपने हाथ में काले बैंड बांधकर खेलने उतरेंगे, जिसमें PG लिखा हुआ होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है फिल ह्यूग्स। चलिए देखते हैं अपना 10वां अपडेट। दोस्तों यह माना जा रहा था कि जो 3 टेस्ट मैच में विराट कोहली नहीं खेलेंगे उसकी वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा, पर कल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि विराट कोहली के ना रहने पर उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हालांकि उन्हें अफसोस इस बात का है कि भारतीय टीम का एक बहुत अहम खिलाड़ी नहीं खेलेगा जो रेवेन्यू को और बूस्ट कर सकता था। आपको बता दें कि दुनिया में जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उनमें सबसे ज्यादा नुकसान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को हुआ कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे स्टाफ को या तो हटा दिया या सैलरी कट किया। और भारत ऑस्ट्रेलिया का जो हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज होने वाला है दिसंबर से, उससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस नुकसान की भरपाई करना चाह रहा था, पर विराट कोहली के ना होने की वजह से वह उम्मीद मुताबिक रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे, हालांकि उन्हें घाटा भी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ थे हमारे आज के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अपडेट। ऐसे अपडेट सीरीज शुरू होने के बाद भी आते रहेंगे जो और ज्यादा मजेदार होंगे, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ क्रिकेट के मजेदार वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।